देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीती रात अनियंत्रित डीसीएम सड़क किनारे बनी रेलिंग तोड़ नहर में जा गिरी। पुलिस के सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है। दुर्घटना से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल पूरा मामला कुरावली के गेलानाथ पुल का है, जहां बीती रात एक डीसीएम चालक हरियाणा राज्य के करनाल जिले से रोटावेटर मशीन लादकर बिहार जा रहा था। जनपद के थाना कुरावली क्षेत्र स्थित गेलानाथ पुल के पास डीसीएम अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बनी रेलिंग को तोड़ नहर में जा गिरी, जिसमें डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलते ही कुरावली थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सैफई एम्स में रेफर किया है। आइए सुनते हैं घायल चालक के चचेरे भाई का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, नाम क्या आपका? धर्मपाल यादव। ये ट्रक का एक्सीडेंट किस टाइम हुआ है और कैसे हो गया? रात को लगभग 3 बजे। ये किस प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ से आ रही थी गाड़ी? गाड़ी आ रही है हरियाणा करनाल से। अच्छा, गाड़ी चला कौन रहा था और इसका मालिक है? वही ड्राइवर है। क्या नाम क्या है उनका? विशेष कुमार। माल क्या लोड होकर आ रहा था गाड़ी? लोडा बेटर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे हैं करनाल से, जा रहे हैं खगड़िया बिहार। अच्छा, ड्राइवर जो मालिक हैं उनकी दुर्घटना में कितनी चोट आई है? गंभीर चोट है। कहाँ पर इलाज चल रहा है उनका? सैफई हॉस्पिटल में। पहले कुरावली चिकित्सा सीएससी पे दिखाया होगा? यहाँ मैनपुरी दिखाया था। मैनपुरी दिखाया तो वहाँ से रेफर कर दिया। फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।